हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं रेसल अलर्ट। सो गाइस, अब फाइनली टाइम आ चुका है रॉयल रंबल का, जो कि आप में से काफी सारे लोग की फेवरेट पेपर भी होगी, और अगर किसी की फेवरेट नहीं भी होगी तो फिर भी एक्साइटेड रहता होगा रॉयल रंबल के लिए, क्योंकि हमें कुछ भी नहीं पता कि कौन से नंबर पर कौन सा सुपरस्टार आ जाए और वो जीत जाए उस मैच को। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि WWE के नेक्स्ट PPV यानी कि रॉयल रंबल में हमें 30-man रॉयल रंबल मैच में किस सुपरस्टार की जीत होते हुए दिख सकती है। तो अपनी काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से। तो नंबर 5 पर मैंने जो सुपरस्टार को रखा है वो कोई और नहीं, वो है रेटेड आर सुपरस्टार एज। तो आप सब जानते ही हैं लास्ट ईयर के रॉयल रंबल में एज ने अपना रिटर्न किया था, बट बैकलैश के पेपर व्यू में वो इंजर्ड हो गए थे रैंडी ऑर्टन के अगेंस्ट एक मैच में, जो कि था ग्रेटेस्ट रेसलिंग मैच एवर। और उनके रिटर्न का जो टाइमलाइन निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है रॉयल रंबल के आसपास ही। तो अगर वो इस बार फिर से अपना रिटर्न करते रॉयल रंबल में, देन हो सकता है WWE इस बार उनके साथ कुछ बड़ा करे और वो जीत जाए इस साल के रॉयल रंबल मैच को। अब रैंडी ऑर्टन अगर WWE चैंपियन रहते देन इसके होने की पॉसिबिलिटी और भी ज्यादा थे, बट अभी भी थोड़ी बहुत है, क्योंकि अगर AJ Styles WWE चैंपियन बन जाते हैं देन AJ Styles वर्सेस एज एक काफी अच्छा मैच हो सकता है WrestleMania 37 के लिए, जो कि रिसेंटली AJ Styles ने भी अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो WrestleMania 37 में फेस करना चाहते हैं एज को। तो लेट्स सी कि क्या ये मैच बनता है या फिर नहीं। इसके अलावा बात की जाए नंबर 4 पर मैंने किस सुपरस्टार को रखा है, देन वो कोई और नहीं, वो है बिग ई। अब बिग ई को मैं इस लिस्ट में ना रखूं ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि बैटिंग ऑड्स में वो स्टार्टिंग से नंबर 1 पर चल रहे और आप सब जानते ही हो पिछले कुछ ईयर से बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग रिजल्ट निकल रहे, तो क्या पता इस भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिल जाए एंड बिग ई जीत जाए 30-man रॉयल रंबल मैच और कोफी किंगस्टन की तरह उन्हें भी एक तगड़ा मोमेंट मिलते हुए दिख सकता है रेसलमेनिया जैसे स्टेज में। तो अब बात की जाए कि नंबर 3 पर मैंने किस सुपरस्टार को रखा है, देन गाइस वो कोई और नहीं, वो है मॉन्स्टर अमंग मैन ब्रॉन स्ट्रोमैन। अब आप सबको पता ही है ब्रॉन स्ट्रोमैन हो गए थे सर्वाइवर सीरीज में इंजर्ड, जिसकी वजह से WWE ने रॉ में ब्रॉन स्ट्रोमैन का WWE ने एक सस्पेंड करने वाला एंगल दिखाया जब उन्होंने अटैक कर दिया WWE के ऑफिशियल एडम पियर्स पर। और उस टाइम ऐसे रूमर भी आ रहे थे कि उन्हें मिलने वाली है WWE चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी ड्रू मैकइंटायर के अगेंस्ट, लेकिन वो इंजर्ड हो गए इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। बट अगर WWE ये मौका ब्रॉन स्ट्रोमैन को रेसलमेनिया में देना चाहती है, यानी कि ब्रॉन स्ट्रोमैन वर्सेस ड्रू मैकइंटायर का मैच करवाना चाहती है, तो यहाँ पर ब्रॉन स्ट्रोमैन के भी रॉयल रंबल मैच जीतने के अच्छे खासे चांसेस है। और आप सब जानते हैं ड्रू मैकइंटायर एंड ब्रॉन स्ट्रोमैन की हिस्ट्री भी काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि दोनों एक टीम में काम कर चुके हैं, इसलिए ब्रॉन स्ट्रोमैन के चांसेस तो थोड़े कम है, बट हाँ वो जीत जरूर से सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए नंबर 2 पर मैंने किस सुपरस्टार को रखा है, देन गाइस वो कोई और नहीं, वो है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर। अब लास्ट ईयर का रॉयल रंबल तो सभी को याद ही होगा, जहां पर ब्रॉक लेसनर स्टार्टिंग से डोमिनेट कर रहे थे, बट जब ड्रू मैकइंटायर की एंट्री हुई देन उन्होंने एलिमिनेट कर दिया ब्रॉक लेसनर को और वो जीत भी गए रॉयल रंबल मैच। उसके बाद उन्हें WWE चैंपियनशिप के लिए अपॉर्चुनिटी मिली ब्रॉक लेसनर के अगेंस्ट एंड उन्होंने वहां पर भी ब्रॉक लेसनर को हरा दिया, और उसके बाद से हमें ब्रॉक लेसनर WWE में देखने को नहीं मिले। और एक्सपेक्टेड है कि वो जब अपना रिटर्न करेंगे देन वो अपना बदला ड्रू मैकइंटायर से जरूर से लेंगे, तो क्या पता वो जगह अगेन हो रेसलमेनिया, जिसकी वजह से वो हमें रॉयल रंबल मैच भी जीतते हुए दिख सकते हैं। और हो सकता है कि अगर ड्रू मैकइंटायर भी पार्ट रहते उस मैच का, देन ब्रॉक लेसनर ड्रू मैकइंटायर को एलिमिनेट कर जीते रॉयल रंबल मैच, जो कि लास्ट ईयर का बिल्कुल अपोजिट होगा, इसलिए ब्रॉक लेसनर के भी यहां पर जीतने के मुझे सबसे ज्यादा चांसेस लगते हैं। इसके अलावा बात की जाए नंबर 1 पर मैंने किस सुपरस्टार को रखा है, देन गाइस वो कोई और नहीं, वो है गोल्डबर्ग। अब आप सबको पता ही है गोल्डबर्ग को मैंने इस लिस्ट में क्यों रखा है, वो सिर्फ है रोमन रेंस के साथ एक मैच के लिए। तो अगर आप सब चैनल से जुड़े हुए होंगे देन मैंने आप सबको बताया था कि गोल्डबर्ग हमें WWE के दी बम शो में देखने को मिले थे, जहां पर उन्होंने रोमन रेंस को ये साफ साफ बोल दिया कि उन्होंने उनका स्पेयर मूव चोरी किया है, और जब तक रोमन रेंस को एक स्पेयर नहीं लगता देन उसे समझ में नहीं आएगा कि एक असली स्पेयर क्या होता है, इसलिए वो रोमन रेंस के लिए आ रहे हैं वापस। और यहां से इस मैच के रूमर आने फिर से चालू हो गए, जो कि हमें देखने को मिल सकता है रॉयल रंबल में या फिर अगेन रेसलमेनिया में, जो कि हमें लास्ट ईयर के रेसलमेनिया में देखने को नहीं मिल पाया था। इसलिए अगर गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का मैच रॉयल रंबल में नहीं होता है देन रेसलमेनिया में होने के अच्छे खासे चांसेस है, और गोल्डबर्ग 30-man रॉयल रंबल मैच जीतकर चैलेंज कर सकते हैं रोमन रेंस को, या फिर क्या पता अगर रोमन रेंस अपनी चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करते रॉयल रंबल में एंड वो पार्ट होते 30-man रॉयल रंबल मैच का, तो गोल्डबर्ग हमें रोमन रेंस को एलिमिनेट कर जीतते हुए दिख सकते हैं रॉयल रंबल मैच। सो गाइस, यही थे वो ऐसे 5 सुपरस्टार जिनके चांसेस मुझे सबसे ज्यादा लगते हैं कि वो जीत सकते हैं 30-man रॉयल रंबल मैच। और अगर आप सब अपनी विनर प्रेडिक्शन बताना चाहते हो देन जरूर से नीचे कमेंट कर बताना। इसके अलावा अगर वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके बगल वाले बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं गाइज अगली वीडियो में।